हेलो दगड़ियों नमस्कार मेरो नोचे है हरी सिंह चौहान और आज मैं आप लोगों ती जरा गढ़वाल की रौनक दिखा दूँ बस गालों को टाइम छे और आप तई दिखाऊ जरूरी छे अरे मैं ये फण गोर चौड़ लगी हूँ भाई जी ये छन मेरा बल्द और जंगल भी बिजामाता था हुई नीतर अबरी मतलब बाघ भूगे भी बिजाबा डर रहे भाई जी सन बाघ भी मार सक एक ही खातिर बस आप गोरू के दगड़े रहने पड़े हों तो और युच भेजे हमारा मीन डांडी कांटे को जंगल देखा दो भी थोड़ा आज बरखों को मौसम आज क्या वो काफ़ी बरखा होड़ लगी है आजकल चौमासा का टाइम पर है बिजा बरखा होगी जंगल भी बिजावात हुई बहुत हरियालु हुई हूँ और इतना हरियालु तय टाइम पर तो निरंत हो कि जब लोग घर मारन रहन घास पानी निकालता था और जंगल में आवाज आवाज रन थे पर लेकिन अभी यान कुछ नहीं और मैं भेजी येो वो रेण वॉल छो मेरे गाँव को नो चकमोला और वन मूल निवास मेरे शुरुआँची वो पूरे सामने वो खा मीन गॉँव पर लेकिन हम यख ए ऐसी ये बिट दिखेड़ने लगी हूँ और तुम पछाण दो वाला मैं कह कि मैं हरी सिंह चौहान तो गाना गुणा भी निकाल दो मैं काफ़ी हूँ गाना भी मैं यूँ जंगल में जाकर बैठी गए लिखो तो भेजी मेरे गाना चंद छियाणों की तारा तेरे को दिन और सपना छोरी और रितु श्यादी और मतलब इन बहुत सारा गाना छन और मेरे यूट्यूब चैनल भी छे चवान डीजे म्यूजिक हाँ तो देखे भाई जी हमारा पोड़ पाक एक पूर्व पोर्दू तक धरण पंचोर वाला गांव पड़दन तक धवडी स्कूल सामने पर और आप लोगों तक आज मैं ਇਹ ਫੜਨੇ ਕੀ ਨੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖੋ ਲੋ ਬੇਜੀ ਕਿ ਜੂ ਲੋਗ ਮਤਲਬ ਘਰ ਮਾ ਜਕੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਫੜਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਲੋਗ ਇਨ ਵਿੱਚ ਆਨ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਕਾ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਕਾ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਤਰਸਦਨ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਫੜਨੇ ਰਹਿਣੇ ਕੀ ਮਾੜਦੂ ਬੇਜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫੜਨੇ ਰਹਿਣੇ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਉਹਨੇ ਫੜਨੇ ਰਹਿਣੇ ਕੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਛੇ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਗੜਵਾਲ ਮਾ ਜਕੇ ਇਹ ਰੌਣਕ ਤੇ ਬੜੀਆ ਛੇ ਸਭ ਕੁਛ ਬੜੀਆ ਛੇ ਆਪਣੀ ਐਸ ਮੋਜ ਛੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ रोजगार का पैथर हम लोगों ते मजबूरन जान पड़े तो जान पड़े तो क्या भाई मैं भी जहाँ दूँ मैं भी होटल में जाकर काम कर दूँ और आप लोगों की कृपा सीखें एक छोटो मोटो सिंगर भी हों पर मजबूरी में जा जान पड़े हो तो मैं यही बात का मान दो हूँ यार भाई जी की तो नहीं, तो नहीं बोल सकता हूँ तो कि यह पढ़ो गढ़वाल नहीं छोड़ा अलॉल नहीं करा फलौन नहीं कर क्या करिए मजबूरी है बट बत ये बताता हूँ कि अगर मजबूरीत अपना बाल बच्चों में जे गए जो तो अपनी बोली भाषा सिखा दे रहा हुआ वो तो बता दे रहा कि हमारी भाषा क्या हम क्यों हम कखा हम कह हम हमारी जात पात क्या है ना तो इस चीज़ का मतलब मीन होना चाहिए अपना बच्चों से उन्हें सिखा दे रहा अपनी भाषा कभी नहीं छोड़ना अपनी भाषा बोलो मजे सारा सारामनी करना क्योंकि हम भेजी मैं तो गर्व से गई बोल दो कि मैं पारिछ हूँ यार ठीक है और ये आज मैं भूखा भी वो छो दिया देखा ये ये एक है कि हमारा गाँव की रोड और ये बेरी का छन बेर बेर लगी है यू पर अब थोड़ा बड़ी वाली बेर तो पकी देखें बहुत स्वाद बंद खाना था एक बेर नहीं बहुत सारी चीज़ बनती बंत खैर आप लोगों को भी पता छे चे सर किनगोड़ काफल बेर तिमला बेडू बहुत सारी इन चीज़ छन छ जो उड़े फंडे जा जो चीज़ों के खातर हम तरस जा क्या वो चीज़ गडवाल में मिलते हैं और गढ़वाली तक छन और उड़े फंडे ये चीज़ वो की भी नहीं सकते शायद सपना चोरी क्या सुहाने सज दी तेरी गागरी सोलार सपना कानो दे ला दी सोना जो मकी दो प्रयाग बाजार जा दे देखो भाई अब धूप भी निकलने लगी लगभग निकलने लगेगी क्या पड़ गई अब धूप ठीक ठाक पड़ गई पर लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तक एकदम अंदर तो हुई गई हूँ आजकल मौसमों को पता थोड़ा कम लगो तो कि कब घाम फुड़ जाओ और कब बर्खा है जो पर हरियालू बहुत ज़्यादा लगी भाई जी कभी जमाना में ये फंड बहुत पुंगड़ा वन था बहुत आज के मतलब दस साल पहले की बात करूँ तो ये डिसवाल ये बिडवाल ये बिड़वाल आज के डेट में तो तुम अगर देखने वाले ये जंगल थे तो वाला बन लगे कितना बेकूब आदमी है हर बेकूफ बना है इतने जंगल में कहाँ पर लेकिन आज से दस साल पहले यहाँ सारी खेती हुआ करती थी अब बहुत ज़्यादा मतलब चकमोला में तो दो चार परिवार है सामने पूर्व सिरवा वालों की भी यह खेती तो तुम को भी रौन थो यह करूँ और मतलब ठीक ठाक बढ़िया ढंग से मतलब हमारे भी ठीक ठाक रौन तो करूँ बट अब नहीं मतलब क्योंकि चाहे हम हैं चाहे हमारे भाई लोग आजकल सब उड़े फणे भाग जाता और जन मैंने तुम्हों तो पहले भी बताई कि कुछ मजबूरी भी छन और कुछ शौक भी वेगन कुछ बहाना भी वेगन पर जो भी चे बेजी पर अपना घर ऑंदी जा रान अपना घर है की रौनक कभी नहीं बोन बेजी ये खी करा फूलियाँ छन क्या बढ़िया फूल आने लगे ऊ पर है ना तो बाक़ी ये मेरे चैनल छे चे बेजी जी चवान डी म्यूजिक और अपड़ो प्यार ध्यान बेजी आप लोगों का आशीर्वाद सीखें एक छोटो मोटो सिंगर भी छो और ये रहते के, ही रहते तकें अपना गढ़वाल में ही रहते गए अपडो टाइम पास करना चाहो और ज़्यादा खाने की आदत नहीं ज़्यादा खाने भी नहीं चाहूँ बस सिर्फ ये नहीं चाहता हूँ कि दुए टेमे की रोटी मिल जाऊन उतना ही काफ़ी चीज़ है ना बाकी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी मेरे चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइबर करें और आप लोगों तक मैं ये नहीं नई नई चीज़ गाँव की गाँव की याद और अपनी बोली भाषा का गीत गाना जो भी छन सब आप लोगों तक हैं पहुँचा दी रह और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपको